सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो गाइज, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो मंडे नाइट रॉ से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिलने वाला है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। तो गाइज, इस मैच में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है इंटरेस्टिंग मोमेंट, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, आपको तो मालूम होगा कि रेसलमेनिया बैकलैश 2031 में शार्लेट फ्लेयर ही रिया रिप्ली को फेस करती हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और गाइज, उसके बाद के मंडे नाइट रॉ में, दो या तीन वीक के मंडे नाइट रॉ में ये मैच अनाउंस होता है कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अगेन रेसलमेनिया बैकलैश में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी मनी इन द बैंक में शार्लेट फ्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और वो और किसी को फेस नहीं करेंगी बल्कि गाइज वो फेस करेंगी शार्लेट फ्लेयर को। और गाइज, ऐसा होगा कि कार्ड का कुछ ये अभी निकल के आ रहा है कि रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में कल होने वाले मनी इन द बैंक में हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पे गाइस दोनों सुपरस्टार के, अगर आपने बॉडी शेप को देखा होगा, काफी लंबे चौड़े हैं वुमेन्स डिवीजन के ये दोनों सुपरस्टार। तो गाइस, मैच तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे गाइस, मैच की बुकिंग की बात की जाए तो WWE आप कह सकते हो गाइस कि हार्ड हिटिंग मैच बुक कर सकती है, जहां पे गाइस एक हील वर्सेस फेस का देखने को मिल रहा है। उतनी अच्छी हील तो अभी शार्लेट फ्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस हील के नाम पे तो शार्लेट फ्लेयर है मंडे नाइट रॉ में। तो हो सकता है गाइस ये जो हमें मैच देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक में काफी अच्छा हो सकता है। वहीं पे गाइस, इस मैच की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो हो सकता है गाइस कि कोई भी इस मैच को जीत सकता है, जिस प्रकार से WWE विनर को डिसाइड करेगी। तो गाइस, मैच तो काफी अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक में। तो गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाकर बता सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करेगी। फाइनली बाय फ्रेंड्स।